तो गाइस सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो गाइस आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप इंस्टाग्राम के रील्स को आसानी से डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के रील्स को टेलीग्राम से आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको करना है, आप अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लीजिए और इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपको इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इस तरह का इंटरफेस आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके यहाँ पर इंस्टाग्राम चैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको रील्स वाला ऑप्शन देखने को मिलता है नीचे, आपको रील्स वाले ऑप्शन पर आपको फाइनली क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, रील्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए। और यहाँ पर आपको इस रील्स आपको यहाँ पर बहुत सारे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर दिया है तो आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप की आपको रील्स वीडियो है जो देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक रील्स को कॉपी करना है। तो गाइस यहाँ पर मैं एक रील्स को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आपको नीचे थ्री डॉट वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, इस थ्री डॉट वाला ऑप्शन पर आपको फाइनली क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर एक लिंक का ऑप्शन देखने को मिला कॉपी लिंक का, यहाँ पर कॉपी लिंक पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पर इस प्रकार थ्री डॉट पर ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर शेयर बटन पर क्लिक करना है। और शेयर बटन पर क्लिक करने पर आपको मेरी इंस्टाग्राम दूसरा है, यहाँ पर आपको एक कॉपी लिंक का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस कॉपी लिंक पर क्लिक करते ही आपकी इंस्टाग्राम रील्स है जो कॉपी हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, तो मैंने यहाँ पर लिंक को कॉपी कर दिया है। फिर आपको अपने मोबाइल में टेलीग्राम चैनल को ओपन करना है। तो गाइस टेलीग्राम को मैंने ओपन कर दिया है और टेलीग्राम ओपन करने के बाद आपके मोबाइल में इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, किसी भी एक चैट को आपको क्लिक करना है। तो गाइस मैंने यहाँ पर एक चैट को क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने इस वाले चैट को यहाँ पर क्लिक कर दिया है। फिर आपको यहाँ पर नीचे एक सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस सर्च बार पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको आपने जो लिंक कॉपी किया है यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, और पेस्ट कर दिया आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है https://www.instagram, तो यहाँ पर इंस्टाग्राम लिखा हुआ है, इंस्टाग्राम के आगे आपको दो बार dd लगा देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर dd है जो लगा दिया है, और dd लगाने के बाद यहाँ पर dd लगाने के बाद आपको इस लिंक को ऐसे सेंड कर देना है। और सेंड करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। और यहाँ पर आपने जो लिंक सेंड की है उसका आपके सामने यहाँ पर वीडियो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वीडियो पर आपको क्लिक करना है, और वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको थ्री डॉट का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर आपको फाइनली क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है सेव टू गैलरी, और सेव टू गैलरी पर क्लिक करते ही आपका ये वीडियो जो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इस सेव टू गैलरी पर क्लिक किया और ये वीडियो हमारी गैलरी में सेव हो गया है। गैलरी में जाके आपको बता देता हूँ, तो फिर मैंने गैलरी पर क्लिक कर दिया। फिर आपके सामने यहाँ पर एल्बम पर क्लिक करना है और आपको ऑल वीडियोस पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये वीडियो आ गया है, देख सकते हो आप, मैंने इस वीडियो को अपनी गैलरी में सेव कर दिया है। इंस्टाग्राम की रील्स को मैंने इस तरह से अपनी गैलरी में सेव कर दिया है। ये एक न्यू ट्रिक है, इस तरह से आप भी टेलीग्राम चैनल चलाते हो पर आपको इंस्टाग्राम की वीडियो को डाउनलोड करनी है, इंस्टाग्राम की रील्स को डाउनलोड करना है, तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।